तो हम एक ऐसी काल कोठरी में जाने वाले हैं जो नीचे की तरफ। ये श्री कृष्ण लिखा हुआ, श्री कृष्ण जी लिखा हुआ है वो वहाँ पे, वो वहाँ पे देखिए। हाँ फोकस करो, ये श्री कृष्ण लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, और आगे चलकर देखते हैं कृष्ण। तो दोस्तों आज हम टहलने जा रहे हैं मिश्रिक ददीश कुंड। ये छोटे छोटे बच्चे, इनको टहला दें। इनका नाम नीलू है और इनका नाम शैलेंद्र। अभी हम मीटिंग से आए हैं, थोड़ा टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी हम थोड़ा टहलने जा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में। हम लोग टहल चुके हैं और इधर की व्यवस्था दिखा दें। ये फोल्ड चेन स्टोर रूम है और देखिए इसमें ताले वाले सब लटक रहे हैं। और इधर चलें थोड़ा, देख लीजिए ये जाने का रास्ता है। हम लोग बस अब थोड़ी ही देर में जाने वाले हैं। बोलो गाइस, यहाँ पर देखिए कुछ लोग यात्रा के लिए ददीश कुंड से लखनऊ से आए हैं, जो देखिए हमारे भाई जी हैं। भाई जी आपका नाम? मेरा नाम गोविंद जी हैं, जो लखनऊ से आए हैं। देखिए भाई इधर गोविंद जी थोड़ा देख लीजिए, और इधर जो बहन जी हैं जो लखनऊ से आए हैं ये लोग। और बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है इस समय, 7 दिन का जो व्रत चल रहा है तो इस पर और सारी भीड़ भाड़ होगी। और देखिए कुछ ऐसा मंदिर है, आप देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर इतनी सारी सारी मछलियाँ हैं प्यारी प्यारी। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी सारी मछलियां हैं, यानी इस तीर्थ के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं। और यहां पर देखिए ये सबसे बड़ी बड़ी लाल लाल मछलियां दिख रही हैं, और कुछ काली मछलियां भी हैं और व्हाइट कलर की मछलियां भी हैं। देखिए गाइज यहाँ पर देखिए इतना बड़ा बड़ा पीस ना डालो। तो गाइज यहाँ पर दादी जी हैं, तो देखिए बोल रही है आप इंस्टाग्राम चलाते हैं। और इधर हम देखिए लोकल्स की इतनी यात्री की टीम थी जो लखनऊ से आए थे। अभी हम आपको दिखाएंगे पूरा सर्कल चक्कर खाएंगे कैसा नजारा है यहाँ का। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग ऐसा हमें बोल रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम क्या बताएं उनको, हम ऐसे ही बोलने की हर नॉलेज आ जाती है अपने आप। ये भाई चक्के जी कुछ बताइए। अरे नहीं दोस्तों, आइए हम आपको टहलाते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा कैसा नहीं। जो हमारे कैमरामैन जी हैं इस समय नीलू जी हैं, आपको हम दिखाएंगे कैसा है यहाँ का नज़ारा कैसा। इधर आइए नीलू जी, इधर आइए नीलू जी, यहाँ पर दिखाएंगे। ये किसकी मूर्ति है? ददीश। ददीश नहीं है, ये मूर्ति है रामायण की, फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये गरुड़ ध्वज। चार्य जी महाराज हैं यहाँ पर, जय स्वामी। यहाँ पर थोड़ा चलते हैं थोड़ा आगे। तो गाइस यहाँ पर एक मंदिर देखिए, जो इस यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, लॉक नहीं लगा हुआ है फिर भी आपको दिखा दें। यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है। चलो चलो वापस बंद कर। यहाँ पर देखिए जो एक मंकी है जो बिल्कुल पतली सी बाउंड्री खींची है, जो लोहे के उस पे स्टैंड लगे हुए हैं उसके ऊपर से जा रहा है, और ये मौत की कगार पर है क्योंकि उधर चला गया फिर भी ये तैर लेते हैं, मंकी तो तैर लेते हैं। तो गाइज यही है ददीश कुंड, जो भारत का सबसे बड़ा ददीश कुंड बोला जाता है। आज हम इन दोनों भाइयों को टहलाने लाए हैं, जो नीलू जी हैं और इधर शैलेंद्र जी हैं। इनका भाई नाम बार बार भूलना पड़ रहा है। इसके अंदर थोड़ा दिखा दीजिए भाई, कैमरामैन इसके अंदर घुस के दिखाओ, हम घुस के देखते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं। इसके अंदर थोड़ा हम घुस के देखते हैं भाई, इसके अंदर तो मंकी के इतनी जगह है। यहाँ से यहाँ देखिए
बच्चों का जन्म। ऑटो कहाँ से रे? जूता थोड़ा फंस के आ गए थे, फिर भी चलो माता जी माफ करेंगे। इसके अंदर थोड़ा चलते हैं, कैमरा मैन इसके अंदर पकड़ो, पीछे पकड़ो। दोस्तों वो हम वहां जाने वाले हैं थोड़ी ही देर में। क्या इसके हाँ तुम्हारा घर है ये? आपका घर है क्या? तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अंदर जाने पर भी वर्जित कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जाने से भी लोग मना कर रहे हैं। लग रहा है उन्हीं का घर है, और यहाँ पर भगवान नहीं। फिर भी हम बौद्धिस्ट लोग हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन इतना नहीं विश्वास करते कि हर जगह जाओ माथा टेको पत्थरों के। फिर भी चलो जो है वो सही है। यहाँ का नज़ारा खूबसूरत है, और इधर का बैकग्राउंड थोड़ा देखिए। फोटो खींची। अरे अरे अब जगह डरवा रही। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इतने डेंजर मंकी यहाँ पर हैं, तो आप इनको देखकर भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गाइस हम लोगों की बहुत छोटी यात्रा थी, और हमने जल्दी जल्दी टहल लिया, अब हम घर जाने वाले हैं। इधर नीलू भाई जी हैं, जो आइए अब चलेंगे।